उसके बाद जो हम करते हैं बुलियन वगैरह में हम यूज करते हैं ये कंबाइन वगैरह करने के लिए लॉजिकल ऑपरेटर्स करते हैं कि एक से ज्यादा हमारे पास कंडीशन है तो उसके लिए हम लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं और वो हमें फिर बुलियन रिजल्ट करते हैं ट्रू या फॉल्स रिटर्न करते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले जो ऑपरेटर है ये नॉट है तो इसके अंदर जो भी हमारे पास इसको देते हैं हम ट्रू देंगे तो ये हमें फॉल्स रिटर्न कर देगा और फॉल्स देंगे तो ये हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है और इसके अंदर जो है ये तब ट्रू होता है जब दोनों कंडीशंस ट्रू हो और उनमें से एक भी जो है वो फॉल्स हो ये फॉल्स कर देता है। यानी कि ये एक किस्म का आप मल्टीप्लीकेशन इसको समझ लेते हैं और जीरो के साथ वन और जीरो वन जो है वो आप ट्रू कह सकते हैं और जो जीरो है वो उसको फॉल्स कह सकते हैं। तो किसी को भी जीरो के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जीरो होता है, फॉल्स को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। इसके बाद लॉजिकल और ऑपरेटर है तो ये आप इसको प्लस के तौर पे ले सकते हैं और ऑपरेटर जो है इनमें से कोई एक भी ट्रू हो तो वो हमारे पास ट्रू आता है। वन और जीरो को जैसे प्लस करें तो उसका हमारे पास रिजल्ट वन आता है और ये हमारे पास इनका ट्रूथ टेबल आ गया है कि अगर ये हमारे पास कंडीशन हो और उसके अंदर क्या आता है हमारे पास देखें, अगर दोनों ट्रू हैं तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे एंड लेंगे इनका तो ये हमारे पास ट्रू होगा और भी ट्रू होगा और नॉट इसका ले लेंगे एक का तो वो फॉल्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है सेकंड हमारे पास आ गया कि वन और जीरो अगर आप इसको कंसीडर कर लें ये हमारे पास वन हो जाए, ट्रू अगर हमारे पास वन हो जाए और फॉल्स अगर हमारे पास जीरो हो जाए तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो आएगा, प्लस करेंगे तो हमारे पास वन आएगा, उनका जो नॉट होगा वो हमारे पास जीरो आ जाएगा यानी कि ट्रू होगा हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। फिर इस तरह जो है आगे हमने देखा है कि फॉल्स और ट्रू को हम करेंगे तो ये हमारे पास एंड उसका लेंगे तो फॉल्स आ जाएगा और लेंगे तो ट्रू आ जाएगा और नेगेटिव उसका लेंगे तो वो ट्रू हो जाएगा। फिर फॉल्स को फॉल्स के साथ चेक करेंगे तो ये हमारे पास इन दो कंडीशन में फॉल्स हो जाएगा लेकिन ये वन का जो फॉल्स का ऑपोजिट है वो ट्रू होता है। इसको हम देख लेते हैं कि ये हमारे पास एक चेक है कि अगर हम चेक करें कि एक नंबर हमारा ग्रेटर देन वन है या हमारा नंबर लेस देन टेन है, दो कंडीशन हम कर रहे हैं तो उसका हमें कुछ करना चाहिए और इसको हम एंड ऑपरेटर के थ्रू भी चेक कर सकते हैं ये बुलियन एक्सप्रेशंस को। ये पहले वाली जो है ये हो गया और फिर दूसरे वाली जो है डबल इफ की जगह पे हम एक एंड ऑपरेटर हमने लगा के एक ही इफ के अंदर हमने उसको चेक कर लिया तो इस तरह हम यूज कर सकते हैं। और इसकी फिर हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, ये हम एक मेथड को कॉल करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर तो उसके इस तरह हम दो वैल्यूज देंगे और ये हमारे पास ये आ गया है। ये लॉजिकल ऑपरेटर एक मेथड है जिसके अंदर हम दो वैल्यूज को पुट फॉरवर्ड करेंगे इंटीजर्स को और फिर उनको लॉजिकल ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट करके चेक करेंगे। ये हमारे पास कंडीशंस आ गई हैं, इसको कंपाइल एंड रन करते हैं। ये हमारा कंपाइल हो गया, अब इसको रन करते हैं। फर्स्ट नंबर मांग रहे हैं फर्स्ट नंबर हम 15 ही दे देते हैं, सेकेंड नंबर मांग रहे तो हम 5 दे देते हैं। तो ये अब हम आ जाएं यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर में और यहाँ पे अब हम इसको चेक करते हैं तो ये लॉजिकल ऑपरेटर आ गए हमारे पास और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि पहली जो कंडीशन थी x इज ग्रेटर देन y, पहली कंडीशन जो है इसको हम चेक कर रहे हैं x इज ग्रेटर देन y मींस के 15 इज ग्रेटर देन 5 तो ये ट्रू है। और सेकेंड जो हम चेक कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 15 के इक्वलेंट है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो इस कंडीशन में बस ओवरऑल रिजल्ट हमारा एंड गेट लेने के बाद ट्रू हो गया। इस तरह हम चेक कर रहे हैं कि x इज लेस देन 15 तो x जो है पहला नंबर जो हमारा 15 से लेस नहीं है ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई है। सेकंड कंडीशन को हम चेक कर रहे हैं तो x ग्रेटर देन 15, ग्रेटर देन भी 15 नहीं है तो इनका और गेट लेंगे दोनों फॉल्स कंडीशन का तो वो हमारे पास फॉल्स आएगा। फिर हम चेक कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू y के फर्स्ट और सेकंड नंबर बराबर है तो ये हमारे पास कंडीशन फॉल्स है, इसका सेकंड रिजल्ट को ये चेक ही नहीं करेगा और ये हमारे पास जो है ये फॉल्स रिटर्न कर देगा क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारे पास फॉल्स हो गई है और हम एंड गेट ले। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे x इज नॉट इक्वल टू 5, ये हमारे पास कंडीशन ट्रू है। फिर हम चेक करेंगे x इज लेस देन y के सेकंड कंडीशन हमारे पास फॉल्स आ गई क्योंकि 15 हमारा बड़ा है तो ये हमारे पास फॉल्स आ गया। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम चेक करें कि x प्लस y ग्रेटर देन 100 तो पहली कंडीशन जो है ये 20 इज नॉट ग्रेटर देन 100, इन दोनों को प्लस करें तो 20 बनता है। सेकंड कंडीशन हम चेक करें कि y इज लेस देन और इक्वल टू 10, y 10 से छोटा है तो ये कंडीशन हमारे पास ट्रू है और ये हम और गेट ले रहे हैं तो और गेट की वजह से ये जो हमारा जो है रिजल्ट ट्रू आ जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया।